This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद बट दी पल्स के साथ। वैसे तो मुल्की सियासत में काफ़ी हलचल है और इतने मतलब यह है कि इम्पोर्टेंट इशूज़ मिल जाते हैं कि ये प्रोग्राम जो है 24 घंटे चल सकते हैं, लेकिन यह है कि आज जो सबसे अहम बात है वो है अमेरिका के वज़ीर दफा का दौरा पाकिस्तान, और जिसमें उन्होंने खुल के पाकिस्तान से कहा है कि आप अपनी एफर्ट को दुगना करें, और मतलब यह है कि डू मोर। लेकिन जबकि पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ खुले अल्फाज में फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अमेरिका को मतलब फ़ेस टू फेस ये बात की है कि जी नो मोर। उन्होंने ये कहा है कि हम आप शेयर इंटेलिजेंस करें हमारे साथ और आप हमें आइडेंटिफाई करें टारगेट्स, तो हम एक्शन लेंगे। जबकि पाकिस्तान का तो स्टैंड यह है कि यहाँ से कोई भी किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं हो रही है। अलबत्ता ये देखने में आया है, सारी दुनिया देख रही है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी परसों ही आपने देखा होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिल होकर बेगुनाह बच्चों को शहीद किया, 11 के करीब और 20-22 के करीब ज़ख्मी हो गए। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस कोशिश में लगी रहती हैं कि किसी न किसी तरीके से इस दहशतगर्दी से उनकी जान छूटे ताकि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बच सकें। अमेरिका हमारा उनका बड़ा लंबा रिलेशनशिप रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेके आज तक हम अमेरिकन कैंप में हैं और काफ़ी झोल रहा है, अप्स एंड डाउन होते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें लेट डाउन किया है, मुश्किल वक्त में हम पर सेंक्शंस लगाई हैं। 47 से लेकर 89 तक, 42 ईयर्स तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क था, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी, अफ़गानिस्तान से कोई मसला नहीं था। उसके बाद जब सोवियत इन्वेजन हुआ और उसके बाद जो हालात बिगड़ना शुरू हुए तो आज तक कंट्रोल से बाहर है। अमेरिका देखा जाए बेसिकली तो अफ़गानिस्तान की जंग तकरीबन हार चुका है, ये अलग बात है कि उसको तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर गिरा दें। लेकिन पाकिस्तान अब इस पोजिशन में है कि वो ये मलबा जो है वो इस उठाने के काबिल नहीं है और खुल के बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारा वैसे आज का जो मेन सब्जेक्ट था वो था इदारों की बेतौकीरी कब तक, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इससे बात करेंगे। और आपने देखा होगा दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो नवाज़ शरीफ जो है वो तसादुम की राह पर गामज़न है, जब से 28 जुलाई से उनको नाहल करार दिया गया है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान आर्मी है वो कब तक अपनी बेतौकीरी को बर्दाश्त करते रहेंगे। लोड शेडिंग का खात्मा बहुत क्लेम हो रहे हैं, मैनिफेस्ट में तो ये था कि ये 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, फिर 1 साल का आया, फिर 2 साल, फिर 3 साल, अभी भी ये कह रहे हैं कि जी अब पूरे मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया, जो कि दुरुस्त नहीं है। उनके वज़ीर तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह 2018 तक लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पोर्ट कासम में 660 मेगावाट का कोल पावर प्लांट ऑपरेशन किया है, और बाकी जो दूसरा है 1320 का जो 660 बचता है वो फरवरी में होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। और रेफरेंस यकजा करने के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होगी, इस पर बात करेंगे। अभी हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे
अमेरिकन वज़ीर दफा का दौरा है पाकिस्तान, और साथ हमने नवाज शरीफ के बारे में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं कि वो तसादम की राह पर गामजन हैं और लोड शेडिंग के हवाले से बात की, और फिर रेफरेंस से यकजा करने के लिए नवाज शरीफ की जो इस्तेदाद थी वो मुस्तरद हो गई। अब वो डिफरेंट केसेज हैं उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से उनको ऑर्डर किया गया था। तो आज हमने इस पर बात करने के लिए दावत दी है जनाब कर्नल हिकमतुल्ला खटक साहब, सीनियर दफाई तजियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं। वेलकम सर, आप खुश आमदीद। और जमील अहमद ख़ान जानी पहचानी शख्सियत है, आपकी साबिक सफ़ीर हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, और हमारे चैनल में प्रोग्रामों को मतलब यह है कि रौनक बख्शते रहते हैं। थैंक यू, आपको भी वेलकम। जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट जो है वो तो इदारों की बेतौकीरी है, लेकिन थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे अमरीकी वज़ीर दफा के हवाले से। कर्नल साहब, आपसे सवाल है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब वज़ीर दाखला खारजा हमारे अमेरिका गए थे, तो उन्होंने दो टोक बात की थी वहाँ जाके, वाशिंगटन में जाके, कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी पॉलिसी के हिसाब से जी पाकिस्तान टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई करें, वी विल टेक एक्शन। अभी जेम मैट्स होकर गए हैं यहाँ से, उन्होंने भी एक लिहाज से पाकिस्तान को एक क्या कहना चाहिए, मैं वार्निंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि उन्होंने अपना माइंड दे दिया। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे अभी आप किस हद तक हमारे जो रिजर्वेशन हैं उनको कैसे अटेंड करते हैं, और साथ ये भी आपने सुना होगा कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ कर सकता है दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ने हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जिनका एतराफ़ नहीं किया जाता, और पींगें जो हैं भारत का बढ़ाई जा रही हैं। तो आप इनके विज़िट को कैसा देखते हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान के आखिरी विज़िट होगा या कोई इसके अलावा और भी इंटरेक्शन रहेगा? मेरे ख़्याल में जहाँ तक US वज़ीर दिफा का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के विज़िट का ताल्लुक है, ये काफ़ी उन विज़िट्स का तसलसल है जो कि मुसलसल बैकडोर से और खुलेआम होते रहे हैं और होते रहेंगे। आखिर अपनी खिफत को छुपाने के लिए वर्ल्ड वाहिद सुपर पावर के तौर पे अपनी सुबकी को छुपाने के लिए उन्होंने किसी न किसी को स्केपगोट बनाना है। आप वियतनाम की मिसाल लीजिएगा, मुख्तलिफ लोगों को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया, हमें कैसे वो मतलब स्केपगोट तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमें अब उनके 1,00,000 ट्रूप्स थे वहां पर, हम पाकिस्तान आर्मी तो आपको पता है 5-6 लाख की आर्मी। सर असल मसला ये है कि मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिखारी, मेरे एंकर पर्सन किस अंदाज से अपने बयानियों को, किस अंदाज से अपनी खिदमात को, वाशिंगटन DC में आपकी आवाज़ नहीं है। मैं वहाँ चंद साल रहा, जल मुशरफ उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वी वर द मोस्ट बकौल मलिया लोधी साहिबा के कि वी वर मोस्ट सेंक्शन इलाय, हम इनके इलाई थे लेकिन मोस्ट सेंक्शन इलाय। जब मामला ठीक हुए, स्टिल वी हैड सो मैनी इरिटेंट, सो मैनी प्रॉब्लम्स। आज अगर वो इल्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या अपने अवाम को क्या दिखाएंगे? ये सारी वो चीज़ है जो डोमेस्टिक अवाम ने किया, काले चश्मे पहने हुए हैं, उनको पता नहीं है क्या हुआ है। नहीं, उनके नेटो फोर्सेस क्या करती रही हैं, उनके अवाम बहुत सादा है जी हाँ, उनके अवाम अपना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, जितने भी सादा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, अब उनके अवाम सादा है, उनके पॉलिसी साज बहुत कायां है, बहुत होशियार है, उनको पता है अपने मफादात का तहफ़ किस तरह करना है, कैसे अपनी जो वेपनरी इंडस्ट्री उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे ये इल्ज़ाम किसी और के सर थोपना है, कैसे हमारे पड़ोस में अपने इन्वेस्टमेंटों को उन्होंने सेफ और सिक्योर करना है, कैसे अफगानिस्तान अभी आते हैं फिर आपके हाँ, जी, जी। कैसे अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो मिनरल और जो चीज़ें हैं, जो कैस्पियन ऑयल और ये सारी चीज़ों को कैसे मेक श्योर करना है सेफ हो, और यहाँ से खैरियत से निकल जाए विक्टोरियस हालत में, वो यही चाहते हैं। जमील साहब, क्या आप समझते हैं, अच्छा इन्होंने ये कहा है कि भाई वो
स्केप कोट तलाश कर रहे हैं, और तो उनके बयान से भी अंदाज़ा यही होता है कि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का तो एक सिस्टम है कि जिस मुल्क में एक दफ़ा वो चले जाते हैं वहाँ से फिर वो वापस नहीं जाते, चाहे वो इन स्ट्रेंथ हों या लेस स्ट्रेंथ में हों। तो आप उनके विज़िट को कैसे देखते हैं, और विज़ा विज़ हाउ डू यू सी पाकिस्तान्स पोजीशन इन रिलेशन टू चेंज ट्रंप्स पॉलिसी इन दिस रीजन? मामला बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए, लिहाजा इसके मैं अहाता करूँगा कोई एक डेढ़ मिनट में तो उसकी थोड़ी सी सियाको सबाक। देखिए 2016 की कंट्री रिपोर्ट आई इनकी अमेरिकन्स की, जो कि टेररिज्म पर होती है और तमाम कंट्रीज़ के बारे में वो लिखते हैं। उस 16 की रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई वो ट्रंप ने 21 सितंबर को अपनी फॉरेन पॉलिसी स्पीच में उसमें बता दिया, और क्या थी मैं आपके नाज़रीन के लिए जल्दी से चंद सेकंड में बता दूँ, वो ये थी कि वही सेफ हेवन की बात कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लिंक्स है कानी ग्रुप से, ये कंट्री रिपोर्ट में भी थी और लश्कर तैयबा भी, और ये सारे मामला जो आप बार बार सुनते हैं मंत्रा उसमें था। उससे पहले कुछ उनके स्पोक्समैन ने अपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में बयान दिया। 16 की रिपोर्ट के बाद कोई 3 जनरल वॉटेल की मीटिंग हुए जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं, उन्होंने भी यही बात की। जनरल एकोलस ने कुछ 6 विजिट्स किए और आखिरी बयान दिया है जिम मेटिस के आने से 3 दिन पहले, और कहते हैं कि इन्होंने अभी भी प्रोटेक्शन दी हुई है। मैं आपको सादा अल्फाज में जी बिल्कुल सही है, उन्होंने बयान दिया है तसलसल अमेरिकन का। अब अमेरिकन की इस गुफ्तगू में या इस मंत्रा जिसको हम कहते हैं उसमें ये तसलसल क्यों है? अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बनती है काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद। उससे पहले ट्रंप तो कहता था कि जी मैं तो निकाल लूँगा, मैंने इंगेजमेंट नहीं रखनी है सऊदी अरब में, मैंने इंगेजमेंट नहीं रखनी है। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। मैं लेकिन ट्रंप ने फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या माना उसने? उसने ये माना कि जी मैं समझता तो जो था, लेकिन जब मुझे पॉलिसी साजों ने ये बताया तो मैं उनकी बात मान गया, आप अफगानिस्तान में मजीद ट्रुप्स भी भेजेंगे। मेरी तजिया, मेरे जैसे और काफ़ी बहुत सारे डिप्लोमेट्स उनका तजिया ये है कि जो बदलती हुई सूरत हाल खत्ते की है और दुनिया की है उसमें अमेरिका एक काउंटर बैलेंस क्रिएट कर रहा है चाइना के खिलाफ। हम तो उसमें दूसरे बहुत सारे मामलों में पिस जाते हैं ना, लेकिन पहले एक मोटी बात कर लेते हैं उसके बाद उसके शाखसानों की बात कर रहे हैं छोटी छोटी। मोटी बात यह है कि अमेरिका काउंटर बैलेंस क्रिएट कर रहा है चाइना के लिए, इंडिया से उसने पहले जितने भी ये कोई नई बात तो नहीं है ना, नहीं उसका एडवर्सरी जो है वो तो चाइना ही है कि जेम मेटिस इसे नेक्स्ट एमर्जिंग सुपर पावर, दैट्स राइट चाइना नेक्स्ट एमर्जिंग सुपर पावर है। लेकिन इस वक्त मिलिट्री माइट सिर्फ यूएस की है और चाइना बिल्कुल ठीक है। चाइना ने अब जाके अनाउंस किया, चलिए इसी पे मैं बात कर लेता हूँ। चाइना ने अब जाके अनाउंस किया है, और क्या अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 400 जंगी जहाज बहरी बेड़े बनाएगा जो कि जंगी जिसमें जहाज बिल्कुल ठीक है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लीट होगा बड़ा। जब तक ये बैलेंस देखिए आपने देखना सोचना हमने ये है कि चाइना क्यों अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाना चाहता है, इसलिए कि वो इस वक्त इतना माशी कुव्वत दुनिया की सबसे बड़ी बन गया है। 2010 से लेके अब तक वो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, और 2013 से लेके अब तक वो बिगेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है। तो जब उसने माशी अहदाफ हासिल कर लिए जो कि चाइना का शुरू से एक रहा है मतमाई नज़र और एक फॉरेन पॉलिसी, अब वो अस्करी ताकत हासिल करने के लिए कर, जब तक वो करे अमेरिका की हतुलवसा ये कोशिश होगी इस काउंटर बैलेंस से जितना इसको डिस्टर्ब रखा जाए, और इस हद तक रखा जाए कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो चाइनीज़ कारोबार से है वो भी ज़्यादा ख़राब ना हो। इस वक्त सिर्फ बात है टग ऑफ वार की, इन्फ्लुएंस कौन बरकरार रखे। इस वक्त बहरे जो पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन में 75% बैरी बोड़े और कुव्वत जो है अमेरिका की वो इधर है, इसलिए कि साउथ चाइना सी है इधर। ये बातें सारी आपकी ठीक है, आपके पास फिर आते हैं जन साहब, आप ये बताएं जैसे इन्होंने बताया कि वो हमारे वो चाइना को एक समझ रहा है तो इसके साथ काउंटर करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान पछता रहा है बीच में। लेकिन हमारे तो चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम रूस से भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा जो ये रीजन है, हमारा जो एरिया है ख़ास तौर पर, रोड टू सक्सेस एंड स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान पासिस थ्रू पाकिस्तान, ये जो चीज़ है ना ये अमरीका को भी पता है, इसीलिए बार बार वो हमसे मतलब ताल्लुक भी नहीं तोड़ना चाहता और ताल्लुक बेहतर भी नहीं करना चाहता, एक ऐसी कैफियत में रखा हुआ है कि सिर्फ डू मोर
डू मोर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसको ज़्यादा अरसे तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान डिस्टेबल होता है तो पाकिस्तान डिस्टेबल होता है। जब तक अफगानिस्तान, जो कि हमारा पहले एक बहुत अच्छा दोस्त था, अभी तो आपको पता है हमारे रिलेशन उनके साथ नहीं, अब ये नेक्सस डेवलप हो गया है अमेरिका, अफ़गानिस्तान और इंडिया, अब इंडियन सेंट्रिक हो गया है सारा वहाँ पर, उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उसके साथ उसने कर लिया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान फिर आप यहाँ कहाँ खड़ा है और उसको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑल ओपन अप फ्रंट उनके खिलाफ तो नहीं जा सकता। आपने इतनी नाजुक पटरी पे चल रहे हैं कि आप दाएं होते हैं गिरते हैं, बाएं होते हैं गिरते हैं, जैसे खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान पिस रहा है इसमें। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के साथ आपके ताल्लुकात हैं, दिफाई भी हैं और माशी भी हैं, और चीन की जो भी एक्टिविटी इसमें हो रही है हमारे मुल्क में एंड बियॉन्ड, एक ही हो रही है, सीपैक की एक्टिविटी हो रही है, जी हां बिल्कुल, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुस्तफीद होगा। यही तो पीड़ा है सबको, यही मरोड़ उठे हुए हैं। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वाकई अफगानिस्तान का अमन जो है वो हमसे किसी और को प्यारा नहीं है, हमसे किसी और को अजीज नहीं है, और हम चाहेंगे, और रोड भी यकीनन पाकिस्तान से गुजरती है। देखिए जुल्म ये है कि आज भी 3 मिलियन अफगानी पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, और हम उनकी मेजबानी कर रहे हैं, उनका बोझ हमने उठाया हुआ है। जिस वक्त अमेरिका को ये बावर हो जाए, मेरे ख्याल में उनके पॉलिसी साजों को इस बात का पता है, लेकिन पता होने के बावजूद न मालूम क्यों नहीं जानना चाहते हैं। जिस वक्त उनको ये पता हो जाए कि जी वाकई हमने अफगानिस्तान में अमन करना है, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए एक ही शर्त है कि वहाँ जितनी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बैठी हैं उनको उधर से निकाला जाए, चीन और रूस को उस मसले में शामिल किया जाए ताकि अफगानिस्तान का एक पुरअमन हल निकल आए, और हिंदुस्तान जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे बखेड़े से, हिंदुस्तान का न बॉर्डर मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, ईरान है, चीन है, रूस है और पाकिस्तान है, और इफेक्टिव भी हमें, जब तक इन लोगों को मिला के इनको कोई रोल नहीं दिया जाता, और अमेरिका इसको इतनी सुपर पावर अपनी शिकस्त तो नहीं मानेगा, जैसे जमील खान साहब ने कहा कि काउंटर वेयर टू चाइना, हर हालत में वो अपनी प्रेजेंस उधर रखेगा थोड़ी या बहुत, अगर खुदा ना खास्ता अफगानी इतने यकदम जर्री और बहादुर बन जाते हैं एक दफ़ा फिर, और कोई गैबी ऐसी इमदाद उनको पता नहीं कहाँ से आती है कि अफगानिस्तान में अमरीकियों का रहना दोबर हो जाता है, तो उन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अपने सैटेलाइट स्टेशंस कायम कर लिए। जमील साहब, 70% जो अफगानिस्तान है इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ तालिबान, 70% इनका जो है सारा सिक्योरिटी डिफेंस रिस्ट्रिक्टेड टू काबुल ओनली, आपने देखा होगा, और जितने हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं विद ऑल दैट सिक्योरिटी तालिबान ने हिट किए हैं, ठीक है, उनकी तो एक ही डिमांड है कि फॉरेन ट्रूप्स शुड लीव दी सॉयल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये तो मसला ये है कि ये तो फिर हल नहीं होगा ऐसे, क्योंकि अमेरिका जो है, सवाल ये पैदा होता है 10,000 मील दूर आके, मतलब इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, मतलब कौन सा मुल्क है जो उसने नहीं छोड़ा, लड़ाई की है, वहाँ क्या स्टेबिलिटी आ गई है आज तक वहाँ पे, आप देखें इराक में क्या एक बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका कितना सीरियस है स्टेबिलिटी लाने में, ठीक है, तुझे जैसे मुझ जैसे डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस चीज़ पर जब और खोस करते हैं, तो हमारा इसमें कंक्लूजन तो हम फिर सत्तू पी के सो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, वो किसी हद तक आप बात सही है, किसी हद तक ऐसा भी है, लेकिन यह है कि जो असल अमेरिका का इस वक्त मतमा नज़र और मकसद है वो ये कि अफगानिस्तान को 100% डिस्टेबलाइज भी नहीं करना चाहते हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट रखना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस जस्टिफाइड हो, क्योंकि अब देखिए कि बड़ी कोशिश हुई जो रोहिंग्यास के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स थी, और चाइना ने उसमें कितना काम रोल पैदा किया, अमेरिका की यही कोशिश थी कि इतना डिस्टर्ब हो जाए कि अक़वामे मुत्तहिदा की फ़ौजें भेज दें वहाँ और अमेरिका की प्रेजेंस वहाँ हो जाए, चाइना हरगिज़ नहीं चाहता था कि अमेरिका इतना नज़दीक आ जाए उसके, इसी तरह नॉर्थ कोरिया का है। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान में
हमारी कोशिश ये है कि अमेरिका इधर ना हो, अमेरिका की कोशिश है कि अपनी प्रेजेंस रखे। और माइंड इसमें एक और चीज़ की तवज्जो दिला दूं मैं आपको, वो ये है कि हमारे जो असासे हैं अमेरिका की नज़र, एक दफ़ा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत दफ़ा आ चुकी है खुलेआम, उस पर भी नज़र है। वो चाहते और इस पर बड़ी रिपोर्टिंग हो चुकी है, वो चाहते हैं कि उस पर भी नज़र रखें, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उन्होंने अपने इसके बारे में भी कुछ स्कीमें बनाई हुई हैं। लेकिन दोबारा आ जाते हैं इस बात पर कि अमेरिका का इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उससे जुड़ा होता है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उनकी जितनी भी मिलिट्री माइट है उसका 75% यहाँ से लेके कोरिया तक और इसमें इंडियन ओशन, और वो उसकी कोई वजह है ना, उसकी वजह यह है कि यहाँ इस वक्त मसल फ्लैक्सिंग हो रही है। और उस सिलसिले में बात यह नहीं है कि वो अमेरिका पे, सीरिया में तो रूस से पीछे हट गया, नॉर्थ कोरिया तो आंखें दिखाई वहाँ से पीछे हट गया जी, कुछ लो और कुछ अमेरिका की पॉलिसी है कि जो गरीब मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वीक कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अपना रोब जमाए, जैसे पाकिस्तान है। हाँ, तो अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करें, तो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है। सीपैक का जहाँ मामला है उसमें बहुत डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइन में उसको ये कहा जा सकता है कि सीपैक से उनका माशी मामला, और क्योंकि सीपैक सिर्फ माशी तो हम कहते हैं ना, और है भी माशी, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज भी है। बहरहाल पाकिस्तान ने जो इस हवाले से स्टैंड लिया है वो बड़ा जस्टिफाइड है, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट बड़ी करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी पड़ेगी, आप लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम आते हैं, आपने देखा होगा 28 जुलाई 2017 जब से मियां नवाज शरीफ साहब को नाहल करार दिया गया है, आपने देखा होगा कि किस तरह से जुडिशरी और आर्मी के खिलाफ वो, मतलब यह है कि ओपन क्रिटिसिज्म करते हैं। आप फैसले को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जजेस की बेतुकीरी नहीं कर सकते, फौज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आइन की कौन सी ऐसी शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो अदलिया है या फौज है उसके बारे में आप उंगली उठाएं? इसके बारे में तो पूरा कानून मौजूद है कि आप कुछ नहीं कर सकते। खुद जब प्रॉब्लम होती है तो आइन को रेफ़र करते हैं, तो यहाँ पर भी तो आइन का सवाल है कि आपको किसने अथॉरिटी दी है बेतुकीरी करे। इस हवाले से मैं चीफ जस्टिस, वो ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आपने ये मंत्रा सुना होगा, तो चीफ जस्टिस साकिब नकार ने कल ही, निसार साहब ने कल ही रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जमहूरी निज़ाम में अदलिया को निगरान की हैसियत हासिल है, अदलिया को निगरान की हैसियत हासिल है, रियासत का कोई सतून काम ना करे तो हम उनसे पूछेंगे आप कहते रहें मेरे खिलाफ़ फ़ैसला क्यों दिया, वो अपना काम जारी रखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि हमारी अदलिया अभी तक खामोश है, वाई दे आर नाट टेकिंग सो मोटो, मतलब अब इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना, सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, आप उनकी पूरी क़ियादत को देख लें जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्वेटा के जलसे आम में क्या हुआ आपने देखा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा दिल खून के आंसू रोता है, व्हाट ए कंट्री, क्या मुल्क था, और इसके साथ हम क्या हशर कर रहे हैं। अदालतें फैसला देती हैं, अदालतों के फैसले पर लोग फांसी चढ़ जाते हैं, मतलब आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं, मतलब ये वाई दे आर सो क्वाइट, मतलब रिमार्क्स तो आते हैं उनके लेकिन वाई एक्शन इज़ नॉट बीइंग टेकन। मेरे ख्याल में रिमार्क्स काम नहीं चलेगा, रिमार्क्स से कतई तौर पे काम नहीं चलेगा, और रिमार्क्स देते हुए बहुत इज्जत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि मोजेस जज साहिबान को भी रिमार्क्स देते हुए मुहतात रहना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रिमार्क्स की जगह एक्शन होने चाहिए, जजमेंट, हाँ जजमेंट आनी चाहिए, और जजमेंट के नतीजे में उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाने चाहिए। बहसीत पाकिस्तानी, जिम्मेदार पाकिस्तानी, पब्लिक ऑफिस होल्डर, इन पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, साबिका ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या मौजूदा, इनको अपने किरदार में, अपनी जुबान, अपने अफवाल, हर चीज को कंट्रोल करना चाहिए। वो न करें जबकि ये किरदार में हो, या जो चीज इनको सूट करें, फिर तो अदलिया की इज्जत एहतराम वो सब कुछ करें, फिर मुसल्ला अफवाज की तारीफें करते फिरें, और जब कोई चीज़, कोई फैसला इनकी मंशा और मर्जी के खिलाफ आ जाए तो उसकी इस अंदाज से बेतुकीरी करें। फैसले पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जजेस की बात कर रहा हूँ,
अफवाज की बात कर रहा कोई भी महजब माशरे इस बात की इजाजत नहीं देता। अब अदालतों को चाहिए और अदालतें अगर ये नहीं कर रही अपनी तई तो किसी भी शहरी को इसमें पहल करनी चाहिए, जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और इस सिलसिले में रेमेडी चाहे। शायद अदालत अपने तौर पे सुमोटो न ले, हालांकि आपने चीफ साहब का चीफ साहब के ये कमेंट्स जो कल के हैं वो आपने सुना दिए, तो इन्हीं कमेंट्स को अगर सुमोटो में तब्दील कर दिया जाए तो वो मुनासिब रहेगा। जमील साहब आप देख रहे हैं कि एक लाइन होती है, कहते हैं ना एक डोंट क्रॉस द लिमिट, कहीं ना कहीं जाके यू हैव टू स्टॉप, लेकिन यहाँ तो आपने देखा को एंड नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब एक स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन, मतलब ये कि आ बैल मुझे मार, हिट मी इफ़ यू कैन, अब तो ये सिचुएशन पैदा हो गई है। तो ये आखिर कब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी? इससे जो कंट्री है ये डिस्टेबलाइज हो रही है, लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है कि आप अदलिया को कुछ समझते कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल मतलब ये है कि दिस शुड कम टू एन एंड, एंड इट्स फॉर दिस रीजन इवन आवर एनिमीज दे ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन। बिल्कुल, पर्टिकुलरली अभी यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही थी, उसमें भी वो सिविलियंस हमारे कुछ लोग, और मैंने तो क्योंकि अपने जब मैं सफ़ीर था मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से कि किस तरह इतने बड़े बड़े हमारे सियासतदान छुप छुप के मिलते हैं वहाँ शेखों से सऊदी अरब में और यूएई में, यूएई की मैं बात कर सकता हूँ, और ये भी उनको होता है कि भाई एम्बेसी को भी बताना पड़े हम अपने काम निकाल लें, अपने मरासम कर लें। तो ऐसी सूरत में इसी तरह अमेरिका में जाके अमेरिकन सेनेटर्स के साथ और दूसरों के साथ लॉबिंग कर रहे होते हैं कि हमारा जो है, उसकी वजह से वो बेतौकरी इदारों के कर रहे होते हैं, यही सियासतदान हमारे, और फिर आपस में अपनी भी बेतौकरी कर रहे होते हैं। तो जब इदारों की बेतौकरी करेंगे तो दूसरे ममालिक हमारे साथ कोई अच्छाई तो नहीं करेंगे। अब रहा सवाल के इदारों की बेतौकरी, आपने बिल्कुल बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियरली अदलिया और फौज के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, और इससे तो ये एहतमाल होता है कि आप और मैं अगर कोई बात करें भी, आप चैनल पर बात करें, आपको सुमोटो भी हो सकता है और पैमरा भी आपको नोटिस ले लेगी। लेकिन अगर एक बड़ा आदमी यानी कि इसके स्टेचर वाला आदमी नवाज शरीफ जैसा अगर वो बात करता है, उस पर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक आवाम में भी इसका कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। हाँ ये तो खैर केस की नहीं, मेरा मतलब है कि देखें बात यह है, उन्होंने जब कहा कि हम निगरान अदलिया निगरानी, देखें ना अगर कोई इदारा काम नहीं कर रहा That vacuum has to be filled. आपने तो 58-2 भी खत्म कर दिया और अपना सदर लेकर आ गए जो कि मतलब बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, उनका काम रह गया खाली काउंटर सिग्नेचर करना। आपने चेक एंड बैलेंस किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इदारे में अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो तो फिर बेकार बात रह जाती है ना। फिर तो आप अलाउ कर दें सबको, लूटो मुल्क को, भाई जहाँ जो जिसका हाथ पड़ता ले जाए और चला जाए। सर चेक एंड बैलेंस एक चीज़ है, टाइम खत्म हो गया, एक मिनट आपको बस। फौज और अदलिया इनका मकाम, इनकी इज्जत अपनी जगह पे है, गौर मुसलम है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन इदारों के बारे में न जुबान दराजी की जाए न उंगली उठाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब कर्नल हिकमतुल्लाह साहब खटर साहब और जमील अहमद खान साहब। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि अमेरिका के साथ मतलब जो डूम मोर की पॉलिसी है, पाकिस्तान ने तो उसका दो टोक जवाब दे दिया, लेकिन पोजीशन बड़ी गंभीर है। जैसे जमील साहब ने कहा कि इट इज़ नॉट दैट सिंपल, यानी कि जाहिर है पाकिस्तान कैनेडा गो एंड टक्कर नहीं ले सकता अमेरिका के साथ, एक सुपर पावर के साथ, लेकिन यह है कि हमें अपना मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना नैरेटिव सेल करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट जो हैं वो बहुत उसकी ज़रूरत है, जिसमें कि हम लैग कर रहे हैं। अब शुक्र है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं थोड़ा बहुत उन्होंने स्टैंड लिया है, इट्स ए हैप्पी साइन, और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि कम से कम अब आप बात तो करने के काबिल हुए हैं, आप बात तो उनको करते हैं और जाके अमरीका में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। खाकान अबाजी साहब ने भी यही कहा कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं और अब हम मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एक लिहाज से उन्होंने ये नो मोर का मैसेज लाउड एंड क्लियर तरीके से दे दिया है, बट आई सस्पेक्ट के
पाकिस्तान मे फेस सेंक्शन इन नियर फ्यूचर। आप अपना भी ख्याल रखें, पड़ोसी का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।